नमस्कार, वेलकम टू द लोकल वेल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए लो स्टॉक अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप शॉर्ट बुक सेटिंग्स टैब में जाएं और अपने प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक डेज को सेट करें। उसके बाद रीऑर्डर पॉइंट इन डेज को अपने सप्लायर के लीड टाइम यानी डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, जब आपका स्टॉक मैक्सिमम लेवल से रीऑर्डर पॉइंट पर पहुंचता है तो उस पॉइंट पर स्टॉक के लिए ऑर्डर देना होगा। इससे आपका ऑर्डर सेफ्टी स्टॉक तक डिलीवर हो जाएगा और स्टॉक शॉर्टेज का इश्यू नहीं होगा। यानी जो भी लीड टाइम सप्लायर लेता है उसके हिसाब से रीऑर्डर पॉइंट सेट करना जरूरी है। इसके बाद स्टॉक टैब में जाएं और जो मेडिसिन आप मैनेज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सेटिंग्स में जाके ऑर्डर बुक पर क्लिक करें। यहाँ आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स दिखाई देंगे जो आपकी प्रीवियस डिमांड पर सेट है। अगर लगता है कि ये लेवल्स आपकी करंट डिमांड से मैच नहीं करते तो आप इसे ओवरराइड करके अपनी प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कि 3 दिनों में आपके 8 पैक्स बिक सकते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे जिससे आपको 2.67 मिलेगा। अब अगर आपका रीऑर्डर पॉइंट 10 दिनों के लिए सेट है तो 10 को 2.67 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 26.7 यानी लगभग 27 पैक्स देगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके 27 पैक्स बिक जाते हैं आपका प्रोडक्ट अपने आप शॉर्ट बुक में ऐड हो जाएगा। फिर आप शॉर्ट बुक टैब में जाकर उस प्रोडक्ट को सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी और हेल्पफुल अपडेट्स के लिए लोकल वेल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।